अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अरे व्लॉगर। तो जी कैसे आप, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप साहब ठीक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो देखें जी, माशाल्लाह आज जो है ना मैं अपनी मुर्गी में आया। ये देखें, मैंने जो है ना अपनी मुर्गी के लिए कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हमने एक पिंजरा तैयार कर रहे हैं। ये जी देखें, माशाल्लाह बहर में रखा हुआ था जो कल मैंने आपको बताया था। ये देखें, ये भी हमने इसको बनाया, इसको पूरी जाली लगाई, हर जगह से पूरा बंद करके नीचे ज़मीन में थोड़ा सा नीचे दफन किया और इसके ऊपर जो है ना छत भी बनाई। कल जो है ना शाम को मैं ये जो चूज़े हैं हमारे गोल्डन इस सोनाली मुर्गी के, माशाल्लाह इसको मैं वापस इधर लेके आया बहर, क्योंकि ये पहले अंदर में बंद थे, फिर मैं इनको इधर बाहर लेके आया। और इसको बाहर रखने की वजह ये है कि ये अभी बड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो उधर अंदर में जो पिंजरा रखा हुआ है वो है छोटा, जिसकी वजह से हमारे ये चूहे जो है ना बीमार हो रहे थे। इसलिए हमने ये पिंजरा बनाया, एक इसके लिए एक नया घर बनाया और इसको मैंने जो है ना कल शाम को इधर छोड़ दिया था। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई जब ये हम बनाए थे, उसकी वीडियो मैं उस वक्त नहीं बना सकता था क्योंकि मैं काम में होता हूँ ना, इसलिए अरबाब वगैरह आ जाते हैं, इसलिए उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना सकता। अभी आप देख सकते हैं कि इधर ये कितना खुले डुले खड़े हुए हैं, इधर किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं है इनको, बाहर अंदर में देखे उड़ रहे हैं, खुश खुश हैं माशाल्लाह। उधर जो थे ना, उधर एक जो छोटे से पिंजरे में जो है ना बाबू थे, इधर इनको देखे माशाल्लाह कैसे घूम रहे हैं। ये एक खुला है, हवादार है, इधर इसको पूरा पूरा हवा भी लगता है। अगर मौसम थोड़ा सा ख़राब भी हो जाएगा, वो हो जाता है ठंडा हो जाता है जब मौसम, तो फिर हम इसको जो है ना चारों साइड से बंद भी कर सकते हैं तिरपाल से, जैसे वो तिरपाल पड़ा हुआ है ये ऊपर रखा हुआ है ऐसे। इसलिए ये जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे 15-20 दिन तक, एक महीने तक, फिर जो है ना मैं इनको बाहर में खुला करूँगा। लेकिन अभी जो है ना इनको मैं खाना अंदर में देता रहूँगा, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर बाहर करूँगा इसको, क्योंकि ये हमारी मुर्गी देखें अभी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, फिर जब हम उसको खुला करेंगे, उनको खुला करेंगे तो ये आधी आधी बांट देंगे, कभी उसमें बंद कर देंगे आधा और आधा इसमें बंद कर देंगे, क्योंकि ये पिंजरा भी बहुत ही छोटा है। हमारी मुर्गी इधर जो है ना 60-70 मुर्गी जो है ना हमारी माशाल्लाह इधर बंद है, ये बहुत बड़ी, ये 3-4 महीने की मुर्गी है माशाल्लाह, और अंडे भी स्टार्ट कर दिए हैं इन्होंने इसमें से जो है ना कुछ मुर्गियों ने। इंशाल्लाह एक महीने तक ये सारी मुर्गी जो है ना हमारी अंडे देना भी स्टार्ट कर देगी। ये दो पिंजरे जो है ना हमने रख दिए इधर, अभी वो चूज़े उधर बंद किए और बड़े वाले इधर, और वो जिधर से लेके आए थे वो अंदर में एक पिंजरा खाली रखा हुआ है, फिर हम उधर जो और बच्चे हैं चूज़े वो उसमें चेंज करेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। मुर्गी का जो बच्चा है ना वो ऐसे खुला होना चाहिए उसका घर, जैसे ये है देखिए, पूरा नीचे मिट्टी है, कोई भी जरासीम पैदा नहीं होते और बीमार कभी भी नहीं होते, ऐसे साथ में बंद होते हैं तो उधर ज़्यादा जो है ना ये बीमार हो जाते हैं। खाने की बात कर रहा था, जो ये खाना जो है ना हम अपनी मुर्गी के चूज़े को देते हैं, ये खुराक, और इस खुराक से जो है ना मुर्गी जो है ना बड़ी जल्दी ग्रोथ होती है, इसकी जल्दी बड़ी होती है, मोटी भी जल्दी होती है। अभी ये देखे माशाल्लाह, ये 1.5 महीने के चूज़े हैं हमारे पास, और वो 3 महीने के 4 महीने के चूज़े हैं हमारे पास, और ये सबसे पहले जो है ना हम अपनी गोल्डन मुर्गी को पैर में निकालते हैं। आजा भी आजा आजा माशाल्लाह। ये देखे जी माशाल्लाह, ये जी हमारी गोल्डन मुर्गी, और इसमें जो है ना सोनाली मुर्गी, देसी मुर्गी भी है साथ में माशाल्लाह, चेक करेंगी। और ये हमारा मिस्री मुर्गा जी देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा खूबसूरत मुर्गा है जी ये देखें। और हमारे पास जो गोल्डन मुर्गी है फ्रांसी नस्ल की मुर्गी है ये हमारे पास माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छी नस्ल की है। अभी से इसके मुर्गे देखें माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं, ये 4 महीने के पूरे नहीं हुए। बड़े वाली मुर्गी को बाहर निकालते हैं, वो भी इंतज़ार कर रही हैं। माशाल्लाह जी, ये है जी हमारा पोल्ट्री फार्म। मैं
मैंने जो है ना विटामिन वाला पानी दे दिया है, देखे जी माशाल्लाह पी रही है हमारी मुर्गी। और मैंने जो है ना पहले उस चूज़े को जो है ना पहले पानी दे दिया था विटामिन वाला, जो हमारी गोल्डन मुर्गी है उसको पहले दिया, वो पी लिया अंदर में लेके कर डब्बा खाली है, फिर उसमें जो है ना सादा पानी डाल के रखेंगे। ये देखे इधर से घूम के आ जाती है, ऐसे सीधा जाती है, फिर ऐसे घूम के इधर वापस आ जाती है माशाल्लाह। ये देखे जी ये खुराक जो है ना ये बहुत ही शौक से खाती है हमारी मुर्गी, और मैं इसको और खुराक देता हूँ हमारे मुर्गी को भी और हमारे जो डॉग्स है उसको भी। और इस मुर्गे को जो है ना ये खुराक अच्छी नहीं लगती, ये इसको नहीं खाता, ये खुराक खाता है। ये देखे जी, ये देखें इसमें जो जौ हैं मकई के दाने हैं और दूसरा इसमें अलफ है, वो अलफ आपको पता नहीं होगा लेकिन वो है इसमें मिक्स है, वो मैं अपनी मुर्गी को देता हूँ, देखें माशाल्लाह ये खाती हैं। उनको देखे जी ये उधर लड़ने के लिए गए हुए हैं दो बड़े, उधर से वो छोटे खड़े हैं और इधर से ये बहर से लड़ रहे हैं उसके साथ। नहीं लड़ो भाई, हैं छोटे बच्चे हैं उसके साथ लड़ रहे हो, हैं झगड़ा कर रही है तुम इधर छोटे बच्चों के साथ। तो जी अभी इनको खुराक देते हैं और पानी भी देते हैं इसको, क्योंकि इसको जो खुराक जो है पानी मैंने दे दिया हमारी बड़े वाली मुर्गी को। तो ये देखें जी माशाल्लाह ये हैं जी हमारे सोनाली मुर्गी के बच्चे और देसी मुर्गी के चूज़े, देखे जी माशाल्लाह। और इसमें केरला मुर्गी भी है, ये देखे ये छोटे छोटे, ये देखें ये जिसके पार ऊपर खड़े हुए हैं ना, ये हमारे केरला मुर्गी के चूज़े हैं जी माशाल्लाह। और मैं इनको खुराक देने आया, इसकी खुराक पहले भी पड़ी हुई है लेकिन अभी जो है ना इनको पानी दे देते हैं, फिर जो है ना इसको थोड़ा और खुराक भी दे देंगे ताकि ये रात को खाती रहें। तो देखिए जी मैंने जो है ना विटामिन वाला पानी भी दे दिया है और इधर भी दे दिया पानी, इधर भी दे दिया माशाल्लाह। ये क्योंकि ये हमारे पास चकोर भी रखे हुए हैं हमने, ये देखें जी माशाल्लाह हमने चकोर भी रखे हुए हैं, ये छोटे से बच्चे थे मशीन से निकलवाए थे, अभी ये चेक करें कितने बड़े हो गए हैं। जो मैंने आपको मुर्गी के चूजे दिखाए हमारे जो बहर में हमने नए घर में बंद किए वो देखे उधर हैं, और उसका जो है ये पिंजरा जो है ना ये खाली था, अभी इसकी मैंने जो है ना सफाई कर दी है। अभी हमारे पास और मुर्गी के जो चूजे हैं एक महीने के वो 20-25 दिन के, इसको जो है ना हम इस मुर्ग उठाएंगे इधर से निकाल के इधर बंद करेंगे, ये चूँकि छोटा पिंजरा है ना इसलिए इधर जो है ना इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, ये क्योंकि ज़्यादा है ना इसलिए इसको इधर से निकाल के इधर बंद करेंगे। और जो हमारे पास मशीन में चूज़े निकले हुए हैं वो फिर एक दो दिन के बाद वो ले आएंगे, वो इधर बंद कर देंगे छोटे पिंजरे में, लेकिन इनको इधर बंद करते हैं अभी बड़ी जगह में। तो देखें जी माशाल्लाह मैंने जो है ना अपनी मुर्गी के छोटे चूज़े इधर बंद कर दिए, ये देखें ये खड़े हैं सारे, और इधर जो है ना हमने मैंने जो है ना ये चूज़े रहने दिए, ये डॉग्स के बेबी जो है ना इधर बंद कर दिए, ये इधर रहेंगे क्योंकि इसका कचरा थोड़ा ज़्यादा होता है ना इसलिए, वो छोटे चूज़े हैं वो बीमार ना हो जाए इसलिए। अभी इससे इधर कर दिया, अभी माशाल्लाह इधर जो है ना ये खुली जगह है इनके लिए, बहुत बड़ा पिंजरा है ये, इसमें ये खुले खुले खड़े रहेंगे तो इसको गर्मी भी नहीं लगेगी और बीमार भी नहीं हो जाएंगे। और इसको जो है ना हम एक महीने इधर रखेंगे, एक महीने के बाद जो है ना फिर हम इसको बाहर लेके जाएंगे। तो जी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।